हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लिट्स कैंडी सेफ पवन में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रहा हूँ 9 पाउंड का एक चॉकलेट फ्लेवर केक, और ये फुल कस्टमाइज केक है, कस्टमर के डिमांड पे मैंने बनाया है। और ये 3 टीयर्स केक होने वाला है, और कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखो और सीखो। तो मैंने लिया है एक 5 इंच का एक बोर्ड, और एक मैंने लिया है 8 इंच का बोर्ड, और ये दोनों बोर्ड को हम लोग को कट कर लेना है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वैसे ही आप लोगों को बनाना है, ये डोवेल थीम में बनाना है, हम लोग को इसमें डोवेल यूज़ करके बनाना है। और डोवेल क्या होता है तो मैं आके आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। फिर हम लोग को जो बोर्ड है, और छोटा बोर्ड है बड़ा बोर्ड है, दोनों को हम लोग को प्लास्टिक से अच्छे से कवर कर लेना है। और ये फॉइल से भी आप लोग कवर कर सकते हैं, मेरे पास फूड रैपर था प्लास्टिक वाला, तो मैं उसको यूज़ किया हूँ। फिर अच्छे से टेप मार लूँगा कि ये खुले ना, और इसका जो कागज़ है वो डायरेक्ट केक के क्रीम से टच ना हो, वरना ये सोक होने के बाद थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग को छोटे वाले को भी कर लेना है। और इसमें मैंने नीचे लेयर्स में 4 पाउंड का स्पॉन्ज लगाया है, तो वो भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। मैं डायरेक्टली 4 पाउंड का स्पॉन्ज बेक कर लिया था 3 पाउंड के टिन में, और 3 पाउंड का टिन साइज होता है 10 इंचेस, तो आप लोग भी 9.5 इंच या 10 इंच के लगभग में बेक कर सकते हैं। और ये चॉकलेट जो स्पॉन्ज है, ये टोटल मैंने इसमें प्रीमिक्स यूज़ किया है 800 के लगभग, और इससे मैंने 4 पाउंड का स्पॉन्ज बनाया है, मैंने इसमें यूज़ किया है 750 ग्राम्स प्रीमिक्स, और इसमें मैंने 4 पाउंड का केक बनाया है। और आप लोग भी इसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत टेस्टी केक बनता है। और ये मैं गनास यूज़ कर रहा हूँ लेयरिंग में, और नीचे वाले लेयरिंग में क्या हुआ था कि मैं गलती से बेक करने के टाइम पे टच कर गया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा दब गया बीच में, तो मैंने उसका भी उपाय लगा के बीच में एक छोटा सा कटिंग डाल दिया, जिसके वजह से ये पूरा प्लेन हो जाए, ज़्यादा क्रीमी ना लगे, नहीं तो जिसको वहाँ का पीस मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा क्रीमी लगेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कस्टमर को अलग अलग टेस्ट लगे, सारे कस्टमर जितने लोग भी टेस्ट करेंगे। तो मैंने फिर इसको वापस से वैसे लेयरिंग किया, और ये केक बहुत खूबसूरत होने वाला है। थोड़ा मेहनत है, बस इसमें जो आइसिंग है वो आप लोग को ध्यान से करना है, बाकी केक बहुत इजी है। और इसको मैंने टोटल चार्ज किया है 3400 रुपीज़, और मैं बताना चाहता हूँ ये फुल कस्टमाइज केक है, इसी वजह से इतना प्राइस है इसका। और आप लोग भी थोड़ा प्राइसिंग आप लोग लीजिए, बड़े बड़े केक्स में मेहनत भी बहुत होता है, और जितना भी एडिशनल आप आइटम लगाइएगा उसका भी ऐड करिए, क्योंकि आप लोग ऐड नहीं करिएगा तो आप लोग का बहुत मतलब लॉस में जाइएगा, क्योंकि ये सब केक्स में मटेरियल वाइज भी बहुत ज़्यादा लगता है। फिर जो ये मैं बेस लिया हूँ, ये रेडीमेड आता है मार्केट में, आप लोग बड़े बड़े केक्स के लिए मजबूत बेस ही यूज़ करिए, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला। और आप लोग जैसे ही मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा, मैं अपने बेकरी शॉप में जा कर के वहाँ का टूर दिखाऊँगा, जिसमें सारे आइटम्स हैं, और वो पूरा मॉल की तरह है, आप अपने से चॉइस कर सकते हैं, ले सकते हैं, और टोटल आइटम आप लोग को वहाँ पे मिलेगा। तो मैं भी उसका वीडियो बनाऊँगा, अभी कम सब्सक्राइबर है तो वो लोग भी अलाउड नहीं करते हैं, इसी वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, और ज़्यादा लोग देखेंगे तभी मैं बना पाऊँगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, और बहुत लोगों का कमेंट होता है मेरे शॉर्ट्स वीडियो में कि आप इतना अच्छा आइसिंग कैसे कर लेते हैं, तो जो हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत सारा कटिंग्स हो जाता है, जिसके वजह से वो सिंपल दिखता है, बट सिंपल नहीं है। आप लोग फुल वीडियो देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना टाइम लगता है आइसिंग में। एक केक में मात्र मुझे 5 से 10 मिनट लगता है, और पूरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आइसिंग में ही होता था पहले, लेकिन मैंने यूट्यूब में देखा, टेक्निक सीखा, मेन टेक्निक होता है, जब तक आप लोग वो चीज़ नहीं सीखोगे। और ये जो वाइट वाला मैं लगा रहा हूँ ये डोवेल है, और ये जो ब्लू कलर मैं लगाया हूँ ये जेल कलर है, ब्लू कलर नेवी ब्लू, आप लोग नेवी ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, पिंक में भी बहुत सुंदर ये केक लगेगा, बट कस्टमर का डिमांड था कि उनको ब्लू में चाहिए। और ये बॉय के लिए केक है जिनका 18 साल हो चुका है, तो इसी वजह से सेलिब्रेशन हो रहा था। फिर मैंने ऊपर वाले पार्ट में उसके ऊपर जो मैं रखूँगा उसको मैंने लिया है 3 पाउंड में, तो नीचे का 4 ऊपर का 3, तो बहुत वेट हो जाता, इसी वजह से मैं डोवेल वाले थीम पे बना रहा हूँ, जिसमें डोवेल लगने के बाद मजबूती बहुत बढ़ जाता है। फिर मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी अच्छे से उठा करके रख लिया है, और ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा।
और हाँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो में जब मैं बोलता हूँ कि आप लोग भर भर के कमेंट करो, आप लोग सपोर्ट करो, तो आप लोग करते हो, और नहीं बोलता हूँ जिस वीडियो में उसमें आप लोग नहीं करते हो। तो मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि बार बार परेशान करूँ आप लोगों को, इसी वजह से मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन आप लोग अपने मर्ज़ी से भी कर सकते हो, मैं अगर नहीं बोलूँगा तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं करेंगे कमेंट, आप लोग किया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। फिर मैंने वैसे ही डोवेल को कट करके अच्छे से लगा लिया है, और डोवेल का जो साइज़ हो उसको आप लोग बराबर से कट करना, वरना आपका जो प्लेट है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और मैं भी अच्छे से ही कट किया हूँ डोवेल को, और आप लोग भी करना। फिर ऊपर वाले पार्ट में मैंने 2 पाउंड का केक लिया है, और इसमें मैंने प्रीमिक्स लिया है 400 ग्राम्स, और इसका जो स्पॉन्ज को मैंने 6 लेयर में कट करके लेयरिंग किया है, और ये टोटल 1 kg का केक है। तो ये भी बहुत वेट था, इसी वजह से मुझे डोवेल वाले थीम पर बनाना पड़ा, और इसमें भी मैं डोवेल लगाऊंगा। फिर मैं बीच में एक डोवेल लगा करके नीचे से पैलेट नाइफ ले करके उसको उठा लिया और रख दिया इसके ऊपर। और वीडियो में मैं अकेले हूँ, इसी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, इसी वजह से मैं सारे चीज़ नहीं दिखा पाता हूँ, केक से रिलेटेड दिखा पाता हूँ। लेकिन कुछ दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को सब कुछ मैं डिटेल से दिखाऊं। थोड़ा सा मैं एडिटिंग में भी मुझे थोड़ा कमज़ोरी है, मैं उतना एडिट भी अच्छे से नहीं कर पाता हूं, जिसके वजह से शायद आप लोग को मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा होगा। तो प्लीज़ बताना कि मेरा एडिटिंग कैसा लगा आप लोग को। और फिर उसके बाद हम लोग स्प्रिंकल लिए हैं 6 साइज़ का। स्प्रिंकल में बहुत सारे साइज़ आते हैं, 0 से लेकर 10 तक, तो आप लोग कोई भी साइज़ ले सकते हो। मैं अपने हिसाब से 6 साइज़ लिया हूं, और उसको पूरे केक में लगाना है। कम से कम ये लगाते हुए मुझे आधा घंटा हो गया था, बट मैं कट कर करके दिखाऊंगा, और एक एक करके हम लोग को अच्छे से बिछा लेना है। और इसमें भी हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, जैसे तैसे हम लोग इसमें नहीं बिछा सकते हैं। आप लोग को एक दूरी तय करना है, कितना से कितना दूर में आप लोग को लगाना है, और वो पूरा एक लाइन लगाइएगा। उसके बाद जैसे ही नीचे वाले लाइन पर आइएगा, तो फिर उसके दो स्प्रिंकल लगाएं, उसके बीच में उसको सेट करना है, जिसके वजह से वो खूबसूरती बढ़ जाएगा। एक लाइन में नहीं लगाना है, वरना बहुत लाइनिंग लाइनिंग टाइप का दिखेगा। और मेरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सब में ट्रायंगल टाइप से बन रहा है, तो वैसे ही आप लोग भी बनाना है। फिर जितना भी टैग्स था हैप्पी बर्थडे का और 18 का और स्टार, मैंने वो सब लगा दिया। फिर इसमें ओरिजिनल रोज़ का भी था, इसी वजह से मैंने रोज़ भी लगाया। रोज़ के साथ एक मैंने लाया था पत्ता जैसा, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, वो भी लगा दिया। और कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आया। अगर आप लोग को भी पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।